अभी हो रहे हैं रात के 12:32 और हम लोगों ने डिसाइड करा है कि आज हम रात में पढ़ेंगे। डिसाइड क्या करा है, मतलब कुछ टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। दिन भर तो मैंने व्लॉग बना लिया है, ऐसे भी MSc का है, थोड़ी देर में हो ही जाएगा। मुझे पता है मुझे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए इस टाइम पे, मुझे मेरी पढ़ाई करनी चाहिए, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं नाइट स्टडी कैसे करती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 12:32, मैं 1 बजे तक पढ़ूंगी, 1 या 2 बजे तक। हाँ, 1 या 2 बजे तक मैं पढ़ूंगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी और सुबह उठूंगी फिर 7 बजे। सुबह का बताऊंगी मैं आपको, तो मैं 7 बजे उठूंगी और फिर आपको सुबह का ही बताऊंगी। तभी यहाँ पे सब कुछ फैला के बैठी हुई है, मेरे पेपर्स वगैरह, सैम्पल पेपर्स, और इसको भी कुछ पढ़ाई करनी है। और कि हमने यहाँ पे कुरकुरे वगैरह लेके आ चुका है पहले ही से ही। तेरी बुक का है पढ़ लो बहना, कल एग्जाम है। हाँ, रिवीजन करना है बस। इतनी फिजूल बातें कर रही हो ना। फिजूल नहीं, सच्ची में रिवीजन करना है भाई। मैंने कर लिया रात में और पहले का आधा पढ़ा हुआ था, बस रिवीजन करना है। मेरे को किस मुंह से बताऊं, मेरे को अभी ये नहीं पता चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। हाँ, क्या चैप्टर तो पता है मुझे कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने प्री बोर्ड में लर्न करा था, बस उसको रिवाइज करना मुझे। नहीं जी हाँ, ये कुछ पढ़ नहीं रही है यार, ना तो खुद पढ़ रही ना मुझे पढ़ने दे रही। देख यार बहन, मत भेज, मेरी दोस्त मुझ पे बोलती है कि तेरी बहन बस स्नैप भेजती रहती है। तू पागल है कि जब देखो जब स्नैप भेज देती है। मैं इतने देर से यहाँ पे पढ़ रही हूँ मत भेज, और ये है कि बस पढ़ी है, इसमें कोई परवाह नहीं है एग्जाम की, ये नहीं है ना, ठीक है जा। क्योंकि इसका कंप्यूटर का इंग्लिश तो खैर बना बना के जाएंगे, लेकिन हिंदी यार समझ नहीं पड़ती है। कहीं पीछे है ना, छिपकली देखो ये खाएगी सबसे पहले। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम सिर पे है और फिर भी क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कल स्कूल में मेरे दोस्त हैं, सब बता देंगे। एक तो दोस्त लगती है मेरी क्लास में। इसमें एक क्वेश्चन आया है, विद्यार्थी और ब्राह्मण कहाँ तप लिखी है। इसमें आंसर आया है, विद्यार्थी के लिए तप यह है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस से सिर समय नष्ट ना करे। भाई ये गलत लिखी है लाइन, ये गलत लिखी है इन लोगों ने। आलस तो भाई हमारे पूरी जिंदगी में भरा पड़ा है भाई, आलस के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम तो इतने आलसी हैं कि हम तो पानी उठ के ना लेते। बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये कम्प्लीट हो चुका है और हाँ, मतलब आधा कोर्स, क्या मतलब रिवीजन कोर्स वगैरह कम्प्लीट ही था। ये वो डॉल हिली ना, ब्रो सुना ना, अपन सुनाता है पागल है, खुद तो डरा रही है, मुझे भी डरा रही है पागल। थप्पड़ पड़ेगा ना, एक खुद डरा रही है मेरे को पागल। यार मेरे को ऐसा लगा वहां पे किसी ने आवाज दी, मुझे आवाज क्या चिल्लाया अरे पागल है क्या दिमाग ठीक है? जिया क्या कर रही है? लास्ट क्वेश्चन तो सही बचा है, कुछ कर नहीं सकी, कुछ भी नहीं आता। चलो गाइस, मेरा तो रिवीजन हो गया, मैं तो सोच रही हूँ मैं सोने चल जाऊँ। और ये रिवीजन भी चल रहा है मेरा, लेकिन रिवीजन में इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये पिछले 2 घंटे से रिवीजन कर रही है मेरा रिवीजन लर्न करना आता है, अभी तक मुझे थोड़ी देर तक पता नहीं था कि मेरे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। कोई नहीं, राम जी है मेरे साथ। थोड़े से तेरे बड़े खा लेती हूँ फिर सो जाती हूँ। सो गाइस, सुबह मिलते हैं, अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा डरा दिया है और
और अब ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमें कि भाई वो सच्ची में, वैसे एनाबेला मूवी बहुत देख रखी है हमने इवन हम जो है ना उसके ए टू जेड सारे पार्ट देख रखे हैं, सब मेरे मन में वही वही घूम रहा है। सो गाइस सुबह मिलते हैं, मैं जा रही हूँ सोने। सो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बस इस 8:31 हो रहा है, मतलब 8:30 हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं और 10 मिनट्स में वैसे तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मेरे को बस शूज़ पहनने हैं। लो गाइस 10 मिनट भी बचे और एक पंगा और हो गया, मेरा एक सॉक्स नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ कब भूल गई। सो गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, खाना वाना खा लिया है मैंने, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई दिस ब्लॉग सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।